जय नरकाधीश, जय काल भैरव, जय मलदेव। तो आज टॉपिक है आज की उनके दिल की बातें। ओके भाई, ये है आज के लिए शनिवार के लिए 3 दिसंबर के लिए, ठीक है। एंड वी गॉट 4 ऑब्जेक्ट्स, ये है गिफ्ट ट्रैकर, वी गॉट द मूनोलॉजी, वी गॉट द टैरो, फिर डेलो टैरो, और ये है फॉर्चून कुकीज। तो सबसे पहले करते हैं शफलिंग, उसके पहले करते हैं मैनिफेस्टेशन, क्योंकि हमें सही गाइडेंस मिले, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिले, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, है ना। तो क्या होता है मोस्टली जो हम बात करते हैं हमारी खुद की, तो कई बार हम भावनाओं में बह जाते हैं, या फिर कई बार हम भावनाओं को किसी के नहीं समझ पाते और गुस्से में कुछ बोल जाते हैं, तो ऐसे में दूसरे व्यक्ति की फीलिंग्स हर्ट होती हैं। तो इसलिए क्या इंपॉर्टेंट है, सही समय पे सही फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना, और जिसको ज़रूरत नहीं है पैम्पर करने की उसको पैम्पर नहीं करना है, मतलब उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। सो अब करते हैं हम अंडरस्टैंडिंग से शुरू, पहले करते हैं फॉर्चून कुकी से शुरुआत। 3 दिसंबर के लिए हमें क्या मिलती है रीडिंग, लेट्स कनेक्ट टू इट। चलो चुनते हैं एक आपके लिए और एक उनके लिए, ठीक है। सो कैसा रहा आज का दिन भर, यू कुड जस्ट टेक अ लुक एट दैट। मैं आपके लिए जो आ चुका है वो है अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं पे काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए पॉसिबल हैं आज के पूरे इस माहौल में, या फिर काफ़ी कुछ आज आपने अचीव किया होगा, जैसे थोड़ा सा ड्रीम हो या फिर कोई एक चीज़ हो जो आपको कहीं पे परचेस करनी है, आज आपने फाइनली परचेस की हो, या फिर इनसे मिलने की आपको तमन्ना थी या फिर इरादा था तो फाइनली वो आपने अचीव किया हो, वो डिपेंड होता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है विजडम, तो ये पर्सन आज आई थिंक सेफ कार्ड्स खेलेगा या फिर खेल रहा है, यानी कि यह तो ये पर्सन को एहसास हो चुका है कि मुझे अब गलतियां करके कुछ नहीं मिलेगा, एंड अब मुझे सुधरना ही है या फिर अब मुझे इनकी तरफ ध्यान देना ही होगा। तो जो ये पहली बार ध्यान नहीं दे रहा था, अब ये मेरे हिसाब से ध्यान देने लगा, दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। अब देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है, बहुत ही बड़ा टैरो का डेक है ये, ठीक है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। चुनते हैं 5 कार्ड्स, 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, एंड ये हमें मिल गया 5, ठीक है। तो इन 5 कार्ड से हम करते हैं रीडिंग, देखते हैं क्या आती है कार्ड्स की अंडरस्टैंडिंग। देखो जो पहला कार्ड है वो है 10 of Hearts, यानी कि कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, व्हाट अ साइन, ठीक है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो अंडरस्टैंडिंग ये मिलती है कि सब कुछ सही है एंड इनफैक्ट बेहतर होते जा रहा है। अगर हम इस कार्ड को देखें, ये अगर शुरुआत है तो कल तो संडे है, बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, या फिर बस जो चीज़ है ना वो है प्लानिंग करने की एंड एग्जीक्यूट करने की, ठीक है। जैसे कि आप कई बार अगर मान लो देर करते हो, फिर ये पर्सन कई बार देर करता है या फिर प्लान करता है और यू नो खुद लेट आता है, या फिर प्लान एन मोमेंट पे बदल देता है, तो ये अगर कर रहा है तो कहीं ना कहीं पे फिर किसी को तकलीफ होगी। तो इस बार क्या इंपॉर्टेंट है, अगर प्लान बना रहा है जैसे कि फ़ोन करेगा, मिलेगा, बात करेंगे, या फिर यू नो, आप एक छोटा गेट टुगेदर कर रहे हो अपने अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वो चीज़ इनको फॉलो करनी होगी, यू नो, तो अगर इन्होंने कहीं पे कमिटमेंट कर दी है तो कमिटमेंट कंप्लीट करनी होगी। अगर ऐसा करते हैं तो 10 of Hearts का जो माहौल है वो वैसे की वैसे ही बना हुआ आपको दिखेगा। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है 7 of Crystals, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यस, ये एक्चुअली वे आउट ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वे आउट मतलब क्या है कि भाई कैसे आपको आपके चेहरे पे स्माइल लाई जाए, कैसे आपकी हर बात के ऊपर गौर किया जाए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े वादे तो करते हैं लेकिन वो निभाते नहीं हैं, या फिर कुछ लोगों को बड़बड़ करने की आदत होती है ना, कि जो कहते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा एंड फिर ये नहीं करते। तो ऐसे में क्या इंपॉर्टेंट है कि जो इन्होंने आपसे कहा है क्या ये मैनेजेबल है, या फिर क्या वो कर सकते हैं। मान लो अगर एन मोमेंट पे कोई अगर प्लान बदल भी गया तो कैसे आपके चेहरे पे स्माइल लाने, इसके ऊपर पूरी चर्चा चल रही है, या तो खुद सोच रहे हैं या तो अपने फ्रेंड्स को भी बता रहे हैं कि भाई मुझे क्या करने की ज़रूरत है। 6 of Crystals आ गया सेकेंड में, तो 7 का पहले वाला कार्ड 6 of Crystals, भाई यहाँ पे जो हमें अंडरस्टैंडिंग मिल रही है वो ये है कि भाई ये आपके साथ जानबूझ के ऐसे नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक्चुअली आपने जो इनके लिए किया है, ठीक है, सपोर्ट के वो सब के, तो इसके बदले में ये आपको क्या कर सकते हैं, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे इनकी ऑनेस्टी मिले, लॉयल्टी मिले, या फिर ये मुझे समझे, एक मेरे अच्छे फ्रेंड बने, तो वो हिसाब से ये आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जाननी काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
देखो इंसान का जो वजूद है या फिर उनका स्वभाव है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी का स्वभाव जो होता है वो बहुत ही नटखटिया होता है, यू नो, एंड किसी का स्वभाव बहुत ही शांत होता है। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए, अगर ये नटखट वाले स्वभाव वाले हैं तो हाँ डेफिनेटली थोड़ी देर लगाएंगे लेकिन फाइनली ट्रैक पे आ ही जाएंगे। लेकिन कितना समय लगेगा, 3 घंटे, 3 दिन या 3 हफ्ते या 3 महीने, वो देखना पड़ेगा। हाँ, कोशिश चल रही है उनकी कि जो इन्होंने आपसे वादे किए हैं वो निभा पाए या फिर जो आपके चेहरे पे मुस्कान लाए वो करें। नेक्स्ट कार्ड में मिला है वो है एस ऑफ हार्ट्स, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड ये जो अंडरस्टैंडिंग हमें मिली है ये क्या है कि ये आपका दिल जीतना चाहते हैं फिर से। ओके, यानी कि मे बी किसी की एनिवर्सरी बहुत नज़दीक आ रही है या फिर द फर्स्ट डे जब आप मिले थे, यू नो, पहली बार। अब चाहे आप 2-4 साल से रिश्ते में हो लेकिन जो पहले टाइम मिले थे, एक दूसरे को देखा था, वो अगर यू नो दिन करीब आ रहा है तो उसकी यादें इनके जहन में ताज़ा हो रही है और वही चीज़ वो आपके साथ दोबारा से, यू नो, एक मूवी थी ना कि फॉल इन लव अगेन, वही वो आई थिंक करना चाहते हैं। एक्सक्यूज मी। एंड जो 5th कार्ड है वो है पीटर पैन, चैरियट। तो भाई ये आ गया कैंसर का साइन, कर्क राशि। एंड यस, यहाँ पे ये चाहते हैं कि भाई आपको समझाएं कि इनके लिए ज़िंदगी के मायने बहुत अलग हैं एंड ज़िंदगी हैंडल करना इतना ईजी नहीं है। शायद आपके लिए ईजी हो, मे बी आप बहुत ईजीली डिसीजन लेते हो और उसके ऊपर स्टक करके रखते हो, लेकिन शायद इनके लिए इतना आसान नहीं है और शायद आपको समझाना भी मुश्किल है। इसीलिए कह रहे हैं कि भाई मैं कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ। सो इफ़ यू ट्रस्ट दिस पर्सन तो कोशिश इसको करते रहने दीजिए, आपको इसका फल और सबूत दोनों मिल जाएंगे। ये था रिगार्डिंग द टैरो। और अब आते हैं 3rd ओरैकल पे जो कि है मूनोलॉजी। ओके, चलो इससे करते हैं शफलिंग। ऑलमोस्ट 7 मिनट होने को आए हैं, हमें 2 कार्ड चुनने हैं। देखते हैं पहला कार्ड क्या है। यस, एंड दूसरा कार्ड, ठीक है, ये आ चुका है। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। एंड जो पहला कार्ड आ चुका है वो है भाई बींग लव, ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। तो कुंभ राशि यहाँ पे आ चुकी है, यानी कि भाई यहाँ पे प्यार का एहसास जगना और जगाना दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी भी ये कैसे कह सकते हैं, देखो ये प्यार जो होता है ना वो हमें दिखना चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि हम प्यार को देखते ही नहीं, फिर हमें लगता है कि भाई प्यार मिसिंग है। आप कहते हैं ना कि भाई हम दोनों मिल तो रहे हैं लेकिन प्यार का एहसास नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं या तो ये किसी सोच में डूबा हुआ है, किसी और की हेल्प कर रहा है, किसी और के ख्यालात में है, और इसीलिए जब आपसे मिलता है, मैं भी कोई दोस्त हो जो शायद मुसीबत में हो उसकी हेल्प कर रहा है, तो इसका ध्यान आपकी तरफ नहीं रहेगा, है ना। एंड आपको नहीं पता जैसे कि वो दोस्त शायद इसका बहुत पुराना दोस्त होगा, जिगरे दोस्त होगा, और उसको हेल्प करने के लिए बहुत चीज़ें कर रहा है। तो ऐसे में क्या इंपॉर्टेंट है, रिश्ते में सामंजस्य रहना, कि भाई अंडरस्टैंड करना कि इसकी भी मजबूरी है, सो लेट मी हेल्प दिस पर्सन। एंड सेकेंडली जो इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये प्यार नहीं ला रहे हैं तो आप प्यार लाइए, इनको अंडरस्टैंड कीजिए, देखिए कि क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग इनको पसंद आती है या नहीं। जो सेकंड कार्ड हमें मिला है वो है सरेंडर टू द डिवाइन फुल मून। तो देखो सेकंड कार्ड फुल मून में आ गया है कि भाई सरेंडर करो यूनिवर्स को। यानी क्या है यहाँ पे कि फुल मून का जो अंडरस्टैंडिंग है कि सरेंडर, यानी कि भाई जो ईगो है या फिर कि भाई मैं ही सब कुछ हैंडल करूँगा, वो आपको जाने देना है। हम कहते हैं ना कि भाई जैसे कई बार हम कहते हैं कि मैं सुबह 6 बजे उठूँगा और अलार्म लगता ही नहीं और हम 6 के बजाय 7 बजे उठते हैं, यानी कि कुछ चीज़ें हमारे हाथों में नहीं हैं एंड दैट इज़ ट्रू। तो ऐसे में क्या करना है, सरेंडर करना है। कई ऐसे कमेंट्स आते हैं कि भाई वो कब मैसेज करेंगे, सरेंडर कीजिए यूनिवर्स को, सरेंडर कीजिए डिवाइन को, भगवान को, जिनको आप मानते हो पूछते हो। एंड आपको कहना है कि भाई आई मैनिफेस्ट कि मुझे मेरा खोया हुआ प्यार लौट रहा है मेरी ज़िंदगी में, या फिर मुझे मेरा प्यार मिल रहा है, यू नो। तो जो भी आपके लिए सही होगा वो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं। एंड अब देखते हैं फाइनली इस गिफ्ट ओरैकल से हमें क्या डील मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। इससे भी हम चुनते हैं सिर्फ 2 कार्ड, लेट्स कनेक्ट टू इट। ये आ गया पहला कार्ड एंड ये आ गया दूसरा कार्ड, ठीक है। अब जो अंडरस्टैंडिंग है वो हम देखते हैं। देखो जो पहले अंडरस्टैंडिंग है वो है प्लान योर फ्यूचर। जो मैंने कहा ना कि प्लानिंग करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप प्लान कर रहे हैं तो वही चीज़ है यहाँ पे, ये अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड सेकेंड जो कार्ड है न्यू एडवेंचर, आपके साथ नए मेमोरीज बनाना चाहते हैं एंड ये उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो गिव देम सम टाइम एंड जब टाइम सही होगा ये पर्सन आपसे ज़रूर कम्युनिकेट करेगा। ये था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर।
See you next.